अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास Realme C21 का एक फ़ोन है। बैंक या किसी इदारे की जानब से इस पर कुछ पाबंदियां हैं, यानी कि कुछ फंक्शन इसके काम नहीं करते, जैसे कि रीसेट काम नहीं करता, या आप अपनी मर्ज़ी की कोई एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते। मैं चेक करवा देता हूँ। मैं सेटिंग में गया, यहाँ पे मैं सिस्टम में जाता हूँ और इसको अगर मैं रीसेट करता हूँ तो ये रीसेट नहीं हो रहा, ना ही ये फ़ोन रिकवरी मोड पे जा रहा है ताकि हम उसको वहाँ से रीसेट कर सकें। तो इस वीडियो में मैं आसान तरीका बताऊँगा। आप ये देखें, अभी सेटिंग ओपन कर रहा हूँ, नहीं हो रही। तो इसके लिए हम एवेंजर्स टूल्स का यूज़ करेंगे। आपने एवेंजर्स टूल्स ओपन कर लेना है और इंटर डाइक पे क्लिक करना है। और अब हम फ़ोन को मुकम्मल ऑफ करके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे। फ़ोन को आपने मुकम्मल ऑफ़ कर देना है और कंप्यूटर की USB डाटा केबल की मदद से फ़ोन को हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे। ये मैं कनेक्ट करता हूँ कंप्यूटर के साथ। तो जैसे कनेक्ट करेंगे हम एवेंजर्स टूल पे, हमें जो लोगो की स्क्रीन है यहाँ पे फ़ोन कनेक्ट होने का मैसेज नमूदार होगा। और नीचे पोर्ट सेक्शन में हम रिफ़्रेश पे क्लिक करते हुए अपने फ़ोन का जो पोर्ट है, यानी कि जिस पोर्ट पे फ़ोन कनेक्टेड है, वो पोर्ट सिलेक्ट करेंगे। और फिर फैक्ट्री रीसेट वाइप फ़ोन पे क्लिक कर देंगे, जिससे फ़ोन कुछ ही सेकंड में फैक्ट्री डाटा रीसेट पे चला जाएगा। उसके बाद हम पावर ऑफ पे क्लिक करेंगे तो फ़ोन ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट होकर रेसिंग सेक्शन पे आ जाएगा। अब ये फ़ोन रीसेट हो रहा है। इसके बाद आप फ़ोन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी इस प्रोसेस की, लेकिन फिर भी किसी किस्म की हेल्प या रहनुमाई की सूरत में आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर तो आप लोग चैनल पर न्यू हैं या आप लोग पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, दुआ में याद भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।